साहेवाल की लारी अड्डे के बारे में मालूमात। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साहेवाल का नामी ग्रामी चौक जिसका नाम है जूगी चौक, तो इससे ये रेलवे स्टेशन रोड पे यानी रेलवे रोड पे कुछ कदम आगे जाके बाई जानिब आपको साहेवाल का लारी अड्डा मिलता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखे ना, मैं रेलवे रोड से बाई जानिब मुड़ गया। ये अगरचे निकलने वाले रास्ता है अड्डे से, लेकिन मैं इस पे अंदर गया तो दूसरी तरफ से गाड़ी अंदर आती है और इस तरफ से फिर निकलते हैं, लेकिन मैं इस तरफ से अंदर चले गया। तो ये है साहेवाल का जो लारी अड्डा है। तो यहाँ से आपको फ्लाइंग कोचेस भी मिलते हैं, कोस्टर्स भी मिलते हैं, बसेस भी मिलते हैं, छोटे और बड़े बसेस भी मिलते हैं, और बहुत से मतलब है कि इस तरह की सर्विसेज आपको यहाँ मिलते हैं। इसके अलावा ये जूगी चौक के साथ अगर आप रात को पहुँचते हैं तो होटल्स मौजूद है, जो कि 600-700 रुपये पर नाइट के हिसाब से आपको कमरा मिलेगा। अगर सिंगल हो या डबल हो तो 600-700 रुपये में आपको मिलता है। ख्वाजा होटल है, A1 होटल है, इस तरह सिटी होटल है, एंडस होटल है। तो ये इधर जूगी चौक के साथ ही है। तो जूगी चौक के साथ ये अड्डा भी वाक़या है, लारी अड्डा, और इसके साथ जो है होटल्स भी मौजूद है, और ये एक मरकज़ी जगह है साहेवाल में। तो आप यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाक़ों को जा सकते हैं। मसलन एक और अड्डा भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन दोनों अड्डों से आप जा सकते हैं, मतलब है कि साहेवाल से आप जा सकते हैं बहुत से शहरों को। मसलन आप जा सकते हैं ओकाड़ा, फैसलाबाद, लाहौर, खानेवाल, मुल्तान, पाकपतन, बावलनगर, आरिफवाला, चीचा, वतनी और दीगर नज़दीक शहरों को आपको ये सर्विसेज मिलते हैं। तो ये है जूगी चौक वाला अड्डा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और अड्डा जो कि वो नहर के किनारे वाक़या है रोड पे, और उस चौक का नाम है आरिफ चौक, उसको जनरल बस स्टैंड कहा जाता है, और वहाँ बड़े बसेस जो है जो कि ज़्यादातर मोटरवे पे चले जाते हैं। तो देखे ना ये है, तो ये बाई जानिब नहर है और ये चौक या कना बदू या कनस्ताइन इस पे लिखा है। तो इस चौक के साथ आपने इस तरह मुड़ना है, तो ये सामने अड्डा है बहुत बड़ा, ये इसको कहा जाता है जनरल बस स्टैंड साहेवाल आरिफ चौक। तो इसके साथ आपको जो ज़्यादातर बड़े बसेस जो है और दूर दूर के शहरों के सर्विसेज यहाँ मिलते हैं। मसलन अगर आपने फैसलाबाद, लाहौर, ओकाड़ा, खानेवाल, बहावल नगर, सदकाबाद, मुल्तान, तो इन जगहों को आपको यहाँ से सर्विसेज मिलते हैं। ये बड़े बड़े बसेज हैं जो कि जीटी रोड वाली भी है और मोटरवे वाली भी है, ख़ासकर लाहौर और फैसलाबाद और मुल्तान और सदकाबाद, तो को यहाँ से यहाँ देखे ना सराय भी है। अगर आप रात को पहुँचते हैं तो आपको होटल्स मिलते हैं रात गुजारने के लिए, चारपाई या मतलब कमरा। तो ये जो है ये है अड्डा, दूसरा जनरल बस स्टैंड साहेवाल आरिफ चौक, और वो दूसरा जो है वो जूगी चौक के साथ है। तो ये दो बड़े मशहूर अड्डे हैं। तो ये जो है ये इंतहाई अहम मालूमात थे, अगर आप साहेवाल आना चाहते हैं तो ये मालूमात आपके बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों की सैर करें, तारीखी और सियाहती मकामात की सैर करें और दुरुस्त मालूमात हासिल करें, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों के कल्चर देखें, सकाफ़ती मेले देखें, जश्न त्यौहार इज्तिमात और देहाती इलाक़ों की ज़िंदगी देखें, तो इस मकसद के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये देखिए ये चुबुर्जी।